नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेव सक्सेस यूपीएससी में। देखिए, इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आया हूँ, लोकपाल। लगभग काफ़ी हद तक लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं, बट एक केवल न्यायपालिका बचा हुआ है और फिर छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में लोकपाल का टॉपिक सेलेक्ट करने का मेरा मतलब ये था कि अभी कल ही जो है भारत के राष्ट्रपति ने देश का पहला लोकपाल को नियुक्त किया गया है, जो है आपके पीसी घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है लोकपाल क्या होता है, और इसके अंदर अगर हम लोकपाल लोकायुक्त की भी बात करेंगे, और लोकपाल क्यों ऐसा इतने सालों क्यों लटक गया, जिसकी वजह से अन्ना हजारे ने भी अनशन करना पड़ा, आखिर ये लोकपाल इतना सख्त क्यों है कि हर सरकार इससे डरती है लाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये हम बात करेंगे कि लोकपाल का शब्द आया कहाँ से और ये लोकपाल का अर्थ क्या होता है। देखिए, लोकपाल जो होता है बेसिकली एक ओम्बुड्समैन होता था स्वीडिश में, स्वीडन में, तो उसका भारतीय संस्करण है ये। ठीक है, ये ओम्बुड्समैन क्या होता है, बेसिकली एक संस्था थी जो नागरिकों की शिकायत का निवारण करती थी, जो कि स्वीडन में 1809 में बना था ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन, ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसा पूछ सकते हैं कि वो कौन सी संस्थान है जो क्या कहते हैं कि सबसे पहले शिकायत का निवारण करती थी, तो ओम्बुड्समैन याद रखिएगा। और भारत में सबसे पहली कौन सी ये ऐसी संस्था होगी, तो लोकपाल होगी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जन शिकायतों को सुनने वाला, जन शिकायतों को सुनने वाला। ठीक है, देखिए एलएम सिंघवी जो थे, एलएम सिंघवी 1963 में सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था। एलएम सिंघवी वही हैं जो आपके मनु सिंघवी हैं, कांग्रेस के नेता, उन्हीं के फादर हैं, जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार देने की भी मांग की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ठीक है, 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। ज़्यादा समय तक ये नहीं रह सके, 1967 में के हनुमंतैया को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने अंतरिम प्रतिवेदन यानी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1968 में, 1968 में अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, मई 1968 में आयोग की सिफारिश पर इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, लोकपाल की स्थापना हेतु लोकसभा में पहली बार लाया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकसभा में पहली बार लोकपाल कब लेकर आया गया, तो मई 1968 में लेकर आया गया, और उसमें किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब तक लगभग 10 बार जो है लोकपाल विधेयक लाया जा चुका है, मतलब एक तरह से बिल समझिए कि लाया जा चुका है। ठीक है, 10 बार इसको लोकसभा में पेश किया सकता है, और आखिरी बार इसको दिसंबर 2011 में पेश किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी ऐसा कानून इतना कठिन क्यों है जो 10 10 बार आप लेकर आते हो लेकिन पास नहीं होता, इसका कोई ना कोई कारण है, हम आगे देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए लोकपाल और लोक जब बहुत ज़्यादा, अन्ना हजारे याद कीजिए, अनशन बहुत ज़्यादा किया था, तो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया था, जिसकी वजह से इनको ये विधेयक फिर पास करना पड़ा। ठीक है, अब कैसे पास करना पड़ा, अब देखिए ध्यान से, लोकपाल व लोकायुक्त बिल जो है वो 2013 में पास हुआ था, ये एक अधिनियम बन गया था, एक्ट बन गया था। ठीक है, और इसमें स्वीकृति मिल गई थी राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये एक्ट बना था। दो चीज़ समझिएगा, कब ये पास हुआ था, पारित हुआ था 2013 में, क्वेश्चन ऐसे पूछा, लोकपाल तथा लोकायुक्त बिल 2013। ठीक है, यानी 2013 में ये पारित हुआ था और इस पर राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी 1 जनवरी 2014 को। यानी दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर कि लोकपाल तथा लोक आयुक्त बिल कब बना, 2013 में, और ये एक्ट कब बना, तभी आप बताएंगे, स्वीकृति मिली जब राष्ट्रपति की 1 जनवरी 2014 में। ठीक है, अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है 2018 तक में, लेकिन अब तक का मतलब ये कि लगभग 2019 से पहले की बात हो रही है। ठीक है, बट अभी जो है आपका हाल ही में कल ही इन्होंने सबसे पहला लोकपाल नियुक्त किया है। मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ आपका जो है 24 मार्च 2019 है, जब देश को पहला लोकपाल मिल चुका है। ठीक है, जो पिनाकी चंद्र घोष है, पीसी घोष जो है देश के पहले लोकपाल है, ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोकपाल देखते हैं क्या क्या होता है, लोकपाल में एक संस्थान है, उस संस्थान में कौन कौन होते हैं, एक सभापति होता है। ठीक है, और 8 सदस्य होते हैं, एक सभापति होता है और एक 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, इन योग्यताएं जो होती हैं सभापति, कैसे देखेंगे आप, जो सभापति होता है, सभापति की बात मतलब क्या होता है कि एक सभापति होगा, वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, या रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, या समाज समाज का प्रभुत्व वर्ग का कोई व्यक्ति हो सकता है।
अब जो सदस्य होते हैं यानी जो 8 सदस्य होते हैं वे कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज़ यानी इसमें जो 4 होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, पहली चीज़। और अदर जो 4 होंगे वो आपके SC ST OBC और महिला और अल्पसंख्यकों में से एक होंगे, ठीक है। अल्पसंख्यकों में सभी कोई आ गया आपके, तो SC ST OBC महिला ये सब इनमें से कोई एक होगा। मिनिमम जो एज होगी वो 45 साल होगी, मिनिमम एज 45 साल होगी। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी लोकपाल बनता है तो उसे कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति, ठीक है। इसकी जो नियुक्ति होती है कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा होता है, यानी एक कई लोगों का संगठन होता है जो सिफारिश करेगा तब राष्ट्रपति जो है इस पर मोहर लगाएगा। और इस कोलिजियम में कौन कौन होते हैं आप ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे इसमें, लोकसभा के अध्यक्ष होगा और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। ये जब चारों जो होते हैं सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के बारे में तो ही जो है आपको नियुक्त मिले को तो ही आपको जो है मिलेगा लोकपाल। आपको चारों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 5वां सदस्य होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लाइन है ये। कोलिजियम में कौन कौन से होते हैं, एक अध्यक्ष होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा और एक लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा। यानी 4 तो आपके सुप्रीम कोर्ट के होंगे प्लस जो 5वां सदस्य जो होगा यानी जो SC ST OBC महिला में जो 5वां सदस्य होगा उसमें कौन सदस्य बनेगा, जिसको सिफारिश करेंगे ये कोलिजियम वाले उसी को ही बनाया जाएगा सदस्य। अब हम देखते हैं कि जो ये जो लोकपाल बनता है इसकी क्या पावर होती है, इसका क्या स्टेटस होगा। इसका स्टेटस जो सभापति का स्टेटस होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होगा और जो मेंबर होंगे वो ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनके बराबर मिलेगा। इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा या मैक्सिमम 70 साल एज हो सकती है, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा सभापति का, वन टाइम नियुक्ति होती है। यानी सभापति अगर एक बार बन गया तो फिर आगे भविष्य में कभी भी दोबारा नहीं बन सकता। अब रिटायरमेंट की बात क्या कहते हैं, इसकी सेवानिवृत्ति कब होंगे, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद नहीं धारण कर सकता सिर्फ सेवानिवृत्ति के बाद। याद रखिए कोई भी इलेक्शन या चुनाव नहीं लड़ सकता और ना ही कोई भी लाभ का पद धारण कर सकता है। हटाने की प्रक्रिया, सभापति या मेंबर कैसे हटा सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। आप जानते हैं कि संसद के जैसे चाहे लोकसभा के राज्यसभा के या कुल मिला के 100 सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष अगर प्रस्ताव रखेंगे, जैसे वो महाभियोग लगाया जाता है मिस बिहेवियर या अक्षमता के आरोप पर, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच करवाता है, सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाता है। यदि ये प्रूफ पाया गया तो राष्ट्रपति हटाते हैं, ड्यूरिंग जांच सस्पेंड कर सकते हैं। अगर प्रूफ पाया गया उसकी मिस बिहेवियर या अक्षमता का तो राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं और जांच जब तक चलती तब तक सस्पेंड कर सकते हैं। देखिए अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, देखिए पावर। यही एक पावर है जिसकी वजह से आज तक इतने सालों तक जो होता है लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी। आप सोचिए एक ही जज जो है हालत खराब कर देता है, जहाँ 4-4 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो भी या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो क्या होगा, तो समझिए देख ध्यान से पढ़िएगा पावर ऑफ लोकपाल क्या है। देखिए सिविल प्रोसीजर कोड जिसको CPC कहते हैं 1908 के तहत लोकपाल को शक्तियां निम्न है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक क्वेश्चन ये बनता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लोकपाल को शक्तियां दी जाती हैं वो किसके तहत दी जाती हैं, तो याद रखिएगा सिविल प्रोसीजर कोड CPC, ठीक है। CPC कोई संवैधानिक नहीं है, संविधान नहीं दिया है इसको, लेकिन सिविल प्रोसीजर एक कोड होता है 1908 का, उसके तहत लोकपाल को शक्तियां प्राप्त हैं। सबसे पहली चीज़ ये समन जारी कर सकता है, ठीक है, एफिडेविट पर गवाही ले सकता है, गवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है और 7 वर्ष पुराने मामलों की भी जाँच, अच्छा देखो 7 वर्ष पुराने मामलों की जाँच नहीं करेगा, याद रखिएगा अगर 7 वर्ष से पहले कोई पुराना मामला है तो उसकी जाँच नहीं कर सकता है। अदर पावर क्या क्या है, आरोपित जो अधिकारी होगा का स्थानांतरण का आदेश दे सकता है, CBI से जांच करवा सकता है। इस समय CBI लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकपाल के स्वयं के न्यायालय होंगे, मामले पर निपटारा less than 3 month होगा और मैक्सिमम 12 month। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि 3 महीने के अंदर आप निपटारा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपको निपटारा करना ही करना होगा। दोषी अधिकारी से भ्रष्टाचार की राशि वसूलना, दोषी अधिकारी की संपत्ति कुर करना, तो हालत खराब कर देंगे, ठीक है, सिंपल चीज़ है। लोकपाल स्वयं किसी प्रकार की सज़ा नहीं देता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लोकपाल का ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा जो 7 वर्ष पुराने हो, ठीक है। किन मामलों की जांच लोकपाल कर सकता है, क्या उसका क्षेत्राधिकार क्या है, उसकी जुरिडिक्शन क्या है लोकपाल की, प्रधानमंत्री
भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, बट सम वर्क इज नॉट इंक्लूडेड। जैसे प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकते हैं, लेकिन कुछ कार्य जैसे परमाणु ऊर्जा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी संबंध, लोक व्यवस्था के बारे में इसका खुद नहीं कर सकता, के बारे में निर्णय जो लिए गए हैं उस पर नहीं कर सकता केस, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, गलत, ठीक है, सभी सांसद वर्तमान या पूर्व, अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी और रिटायर्ड अधिकारी, एक तरह सभी लोग आ गए। एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आपने किसी की गलत शिकायत कर दी तो गलत शिकायत करने पर भी 1 लाख जुर्माना और 1 वर्ष की सजा हो सकती है। केंद्रीय सेवाओं के सभी श्रेणियों के अधिकारी आते हैं इसमें, पूर्व अधिकारी भी आते हैं, और संसदीय एक्ट द्वारा स्थापित सभी कर्मचारी इसमें आते हैं। मैं आपको बताता हूँ लोकायुक्त क्या होता है। देखिए, लोकपाल व लोकायुक्त एक्ट 2014 के अंतर्गत, यहाँ एक्ट बोला, याद रखिएगा, बिल जो होता है वो आपका 2013 और एक्ट 2014 में बना है, ठीक है, के अंतर्गत 1 साल के अंदर लोकायुक्त जो है बनना चाहिए। देखिए, राज्य का सबसे पहला कौन सा ऐसा राज्य है जो लोकायुक्त जहाँ बना हुआ, उड़ीसा में 1970 में लोकायुक्त एक्ट बना है, जबकि 1971 में महाराष्ट्र पहला राज्य जहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है, याद रखिएगा। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, देश का पहला लोकपाल बने हैं पीसी घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष, जिनकी नियुक्ति 22 तारीख को राष्ट्रपति, 22 मार्च को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।